नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंटो अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साबूदाना पैटिस बना रहे हैं। मोतियों की तरह दिखने वाला साबूदाना गुड़ों का खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और पोटाशियम होता है। ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है, डाइजेशन के लिए भी बढ़िया है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। साबूदाने से हम खीर, खिचड़ी, बड़े और पापड़ रेडी करते हैं, पर आज हम अपनी किचन में साबूदाना से पैटिस रेडी करेंगे। तो चलिए बहुत ही हेल्दी पैटिस बनाते हैं। एक बाउल साबूदाने के साथ हम पैटिस को रेडी करेंगे और उसे हमने ऑलरेडी डिप कर लिया है। तो डिप होने के बाद देखिए कितना फ्लफी और सॉफ्ट हो गया है। इसे हमने ओवरनाइट डिप किया था। साबूदाना जिसे हमने भिगो कर रखा था, तो चलिए पहले से स्टीम कर लेते हैं। जब तक साबूदाने में से पानी स्ट्रेन हो रहा है, हम पोटैटोस को ग्रेट कर लेते हैं। पोटैटोस को हम थिकर साइड से ग्रेट करते हैं। पोटैटोस को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था क्योंकि इसके लिए हमें बॉईल पोटैटोस ही चाहिए। अब इन्हें हम साइड पर रख लेते हैं। साबूदाना ड्राई हो गया है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये पोटैटो को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम रोस्टेड पीनट्स भी ऐड करेंगे। इन्हें जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो गए। अब इन्हें हम साबूदाने वाले बाउल में ऐड कर लेते हैं। ये इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लेते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ग्रीन चिली इसमें ऐड कर लें। अगर कम तीखा खाना है तो कम ऐड कर लें, ज़्यादा तीखा खाना है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये ग्रीन कोरिएंडर है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। मैं इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप रेगुलर सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम जीरा और मिक्स्ड हर्ब्स दोनों ही ऐड करेंगे। ये जीरा मैंने ऐड कर लिया, ये मिक्स्ड हर्ब्स है, इसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये चिली फ्लेक्स भी इसमें बहुत बढ़िया लगती है, इसलिए इसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम ओट्स फ्लावर ऐड करेंगे। इससे बाइंडिंग भी और अच्छी हो जाएगी। और ये कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश कर लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं। कसूरी मेथी से पैटिस में फ्लेवर बहुत बढ़िया आया। हाफ टेबल स्पून इसमें हम शुगर ऐड कर लेते हैं और ये लेमन को भी इसमें स्क्वीज कर लेते हैं। और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथों से मिक्स करके इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं जिससे पैटी बनानी इजी होगी। और थोड़ा सा डो लेकर पहले हम इसकी बॉल बना लेंगे और फिर इसे पैटी की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। सभी पैटीज को रेडी करके हम 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और फिर इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। फाइनली अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। मैं इन्हें राइस ब्रैन ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप जो भी रेगुलर ऑयल घर में यूज करते हैं उसमें इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं।
वैसे ये मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत बढ़िया फ्राई होती है। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। साबूदाना हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ये ब्रेकफास्ट में सर्व करने के लिए बेहतर फूड है। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इनकी साइड्स को हमें बार बार चेंज नहीं करना, बस एक बार ही चेंज करना है। जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसे हम प्लेट में निकालेंगे। एक एक करके सभी पैटीज को हमने रेडी कर लिया है। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और इन्हें हल्का सा प्रेस कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और दोबारा स्टर फ्राई कर लेंगे जिससे क्रिस्पी बनेंगे। सभी को हम पैन में रख लेते हैं। अगर आप फ्राइड खाना पसंद करते हैं तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उन्हें इस तरह से स्टर फ्राई कर लें, या फिर आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। पैटीज रेडी हो गई है, अब इन्हें हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से कितनी क्रिस्पी रेडी हुई है। अब अपनी मनपसंद चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। सभी पैटीज को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। साबूदाना और ओट्स दोनों ही सुपर फूड है। ये पैटीज भी बहुत हेल्दी रेडी हुई है। आप चाहें तो इन्हें ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें इवनिंग टाइम सर्व करना चाहें तो आप इन्हें इवनिंग टाइम भी सर्व कर सकते हैं। आप ही इन्हें बनाएं और बताएं कि आपकी पैटीज कैसी बनी है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।